तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी, मैं नहीं आऊंगा। नाराज हो गया था श्रद्धा कपूर से, क्या आशिकी 3 अपने पहले पार्ट की अगली कड़ी हो सकती है? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोमांटिसिज्म से भरी मूवी आशिकी 3 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। महेश भट्ट की फिल्म आशिकी और आशिकी 2 दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े थे। 1990 में आई आशिकी से जहां अनु अग्रवाल और राहुल रॉय ने फिल्म जगत में अपने करियर की शुरुआत की, तो वहीं साल 2013 में फिल्म आशिकी 2 से श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल हुआ था। आशिकी 2 के लिए श्रद्धा और आदित्य को प्रशंसकों और पूरे फिल्म जगत से सराहना मिली थी, लेकिन असली आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल इस फिल्म को देखने के बाद निराश हो गई थी। आखिर क्यों, इसका खुलासा अब हो गया है। अनु अग्रवाल ने आशिकी 2 से निराश होने का कारण बताया है। एक बातचीत के दौरान अनु अग्रवाल ने कहा कि वो ये उम्मीद कर रही थी कि ये फिल्म महेश भट्ट की ओरिजिनल आशिकी का सीक्वल होगी। उन्होंने कहा, आशिकी 2 उस समय आई थी जब मैं कोई फिल्म नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे इस फिल्म के बारे में पता था। मैं ये जानकर खुश थी कि आशिकी 2 आ रही है। मुझे लगा था कि ये हमारी पहली फिल्म आशिकी की अगली कड़ी है, लेकिन मुझे ये बताया गया कि ऐसा नहीं है और निर्माताओं ने सिर्फ फिल्म का शीर्षक ही इस्तेमाल किया है। फिल्म की कहानी पूरी तरह से अलग थी, ये मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक था। हालांकि आशिकी खुद में ही काफी लोकप्रिय फिल्म है। फिल्म में इन कलाकारों की केमिस्ट्री के साथ साथ गाने भी सुपर हिट साबित हुए। आज भी आशिकी के गाने मैं दुनिया भुला दूंगा, एक सनम चाहिए लोग बड़े चाव से सुनते हैं। आशिकी की तरह ही आशिकी 2 के गाने भी आज भी लोगों की जुबान पर है। अरिजीत सिंह का मर जाएंगे मेरी आशिकी हो, या फिर अंकित तिवारी की आवाज में सुन रहा है न तू, ये गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। और ये बात आप भी जान लें और दिमाग में घुसा भी लें कि दर्शकों की आशिकी 3 में यही सिंगर्स अपनी आवाज से सभी को दीवाना बनाएंगे, क्योंकि अरिजीत तो ऑल टाइम फेवरेट है और वो सैड से लेकर रोमांटिक तक हर सॉन्ग ऐसे गाते हैं मानो कि लोगों के जहन में बात वो बैठ ही जाए। दोस्तों ऐसे में रोमांटिक मूवी में वो ना गाए तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो मजा ही नहीं आएगा वरना फिर दर्शकों को। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इसका तीसरा पार्ट कैसा होगा। तो कयासों के हिसाब से बात करें तो इस बार मेकर अनु अग्रवाल को निराश नहीं करना चाहते हैं, तो इस मूवी की कहानी वो अपने सबसे पहले पार्ट यानी कि आशिकी से रिलेट कर बना सकते हैं। आप में से शायद कम ही लोग जानते होंगे कि आशिकी 2 सुपर हिट फिल्म आशिकी का नहीं बल्कि अ स्टार इज बॉर्न का हिंदी रीमेक है। फिल्म में श्रद्धा ने एक प्रतिभाशाली सिंगर आरोही की भूमिका निभाई थी, जिसकी मुलाकात आदित्य से चौकी फिल्म में एक राहुल नाम के म्यूजिशियन से होती है और इसी के बाद इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। अगर आशिकी 3 की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री आलिया भट्ट आशिकी के तीसरे पार्ट में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड निर्देशक मोहित सूरी फिल्म आशिकी का तीसरा इंस्टॉलमेंट बनाने जा रहे हैं। फिल्म का निर्माण महेश भट्ट के बैनर विशेष फिल्म्स के तहत किया जाएगा और इस फिल्म में सिद्धार्थ और आलिया एक साथ रोमांस करते नजर आ सकते हैं। दोनों की स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कपूर एंड सन्स के बाद ये तीसरी फिल्म होगी। वेल दोस्तों आज हमने बहुत बात कर ली है, अब करते हैं खत्म आज का ये सिलसिला कहने का कुछ अनका और सुनने का कुछ अनसुना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं अनिकेत सिंह।